नमस्कार इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इग्नू एम कोर्स के पेपर कोड एम 16 के एक महत्वपूर्ण उपन्यास उपन्यासमीन पर जो कि तकत शिव शंकर पिल्लई जी का उपन्यास है सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि पिछले पांच प्रश्न पत्रों में किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है उसके बाद हम इसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उस पर चर्चा कर लेंगे कि अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो हम बेहतर तरीके से लिख पाए ठीक है तो हम यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिहाज से चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पिछले पांच प्रश्न पत्रों में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए तो देखते हैं इसमें पूछा है पात्र योजना की दृष्टि से चेमीन के उप चेमीन उपन्यास की समीक्षा कीजिए यानी कि की पात्र योजना दूसरे में क्या पूछ रहा है चेबमीन उपन्यास में भाषा शिल्प की विशेषताओं का उल्लेख विशेषता पूछ रहा है भाषा शिल्प की और उसके बाद अगला प्रश्न है चेमीन का परिवेश तो प्रत्येक वर्ष कम से कम दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है और आगे बढ़ते हैं तो चेमीन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कथा वस्तु के विश्लेषण द्वारा स्पष्ट कीजिए ठीक है यानी कि कथा वस्तु का विश्लेषण करते हुए बताना है कि लेखक क्या कहना चाहता है और आगे चेमीन उपन्यास की परिवेशगत विशेषताओं भिसे, पर प्रकाश डालिए उसके बाद अगला प्रश्न है चेमीन की नायिका इस पर टिप्पणी करनी है चेमीन के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए चेमीन की भाषा शैली विशेषताओं पर प्रकाश डालिए यानी कि भाषा शैली ठीक है प्रमुख पात्र और आगे चेमीन की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करनी है जमीन के कथानक की विशेषताएं बतानी है उसके बाद अगला प्रश्न है जमीन के महत्व पर विचार कीजिए अगला प्रश्न है तकस शिवशंकर पिल्लई पर टिप्पणी लिखिए पिल्लई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार कीजिए आगे अगला प्रश्न है चमीन प्रमुख पात्रों का चित्रण कीजिए यानी कि चमीन के प्रमुख पात्रों का चित्रण करना है चमीन में लोग जीवन किस प्रकार है उस, उस पर टिप्पणी लिखनी है तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है तो अब हम यहां पर जो महत्वपूर्ण तो आयाम है सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे अब बढ़ते हैं आगे तो देखेंगे हम सबसे पहले जमीन का जमीन उपन्यास का सारांश ठीक है कि इस उपन्यास में ओवरऑल क्या बात की गई है क्या कवि लेखक ने बताया है उपन्यासकार ने तो यह जो उपन्यास है चेमीन चेमीन का मतलब होता है मछुआरा ठीक है तो यह जो है केरल के समुद्री तट पर मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करने वाले एक समुदाय पर आधारित उपन्यास है ठीक है और जो जो इसमें प्रमुख रूप से जो समुदाय है वह समुदाय है। मछुआरों के जीवन परिवेश का चित्रण इसमें इस उपन्यास में किया गया है आलपुसा इलाके के निकट के निरक्पूनम समुद्र तट पर कौन सा समुद्र तट निरक्नम समुद्र तट पर चेंपन चेम्प चिंपन कुंजू अपनी पत्नी चक्की ठीक है चंपन कुंजू है जो अपनी पत्नी चक्की और दो बेटियां एक का नाम है करुतम्मा और दूसरे का नाम है पंचमी करुतम्मा जो है वह युवती है सोलह साल के सोलह सत्रह साल की उसकी उम्र है ठीक है और वह परिकुट्टी के साथ बचपन से ही प्रेम में है जो परिकुट्टी जो है एक मछली व्यापारी का बेटा है और पंचमी जो है वो अभी छोटी है ठीक है इस उपन्यास में मछुआरों की चार जातियों का चित्रण किया गया है, जिसमें आरय धीवर मछुआ पोतकार और पंचम जात ये पांच प्रकार की इसमें मछुआरों की जातियां गिनाई गई हैं, जो कि धीवर जाति को ही नाव और जाल खरीदने का अधिकार इस उपन्यास के अंदर है आ, उपन्यास के अंदर जो है नाव और जाल कौन खरीद रहा है धीवर जात के लोग लेकिन वह भी अपने मुखिया के अनुमति के बिना नहीं खरीद सकते और जो चंपन कुंजू है यह जो है एक चतुर नाभिक है और यह नाव खरीदने की इच्छा रखता है जिसके लिए वह अपनी बेटी के प्रेम का भी इस्तेमाल करता है जो कि उसकी बेटी है उसका परिकुट्टी के साथ प्रेम है और परिकुट्टी एक व्यापारी का बेटा है तो उसके पास पैसे हैं तो वह जो है उसका इस्तेमाल अपनी बेटी के प्रेम का इस्तेमाल इस रूप में करता है उससे पैसा एठने के रूप में उसका प्रयोग करता है एक एक राज जो है परिकुट्टी करुतम्मा के पिता ठीक है चिंपन कुंजू जो है अपनी पत्नी से बता रहे होते हैं कि उनकी इच्छा है नाव खरीदने की उसी दौरान ये सारी बात जो है करुतम्मा सुन लेती है और जाकर उससे कहती है परिकुप्टी से कि जो है मुझे पैसे चाहिए ठीक है क्योंकि मेरे पिताजी जो है नाव लेना चाहते हैं ठीक है तो हम मांग लेती है और कहती कह क्या है उपन्यास में इसको देखते हैं जैसे बप्पा नाव और जाल खरीदने जा रहे हैं ठीक है मुझे पैसे चाहिए अच्छा नाव और जाल खरीदने के बाद नाव में जो मछली आएगी उसे व्यापार के लिए मुझे देने को अपने को अपने बप्पा कहोगी अब जो है यहां पे इससे पूछ रहा है तो वह कहती है अच्छा दाम दोगे तो मछली क्यों ना मिलेगी ठीक है तो वह कहती है दाम दोगे तो मछली मिलेगी फिर जोरों की हंसी हुई दोनों हंसते हैं और यही हंसी जो है वास्तविकता में बदल जाती है जब वह पैसा दे, पैसे दे देता है और वह पैसे दे देता है और कम पैसे लेकर आती है और पर, अपनी माता को देती है माता जो है फिर पिता को देती है और इस प्रकार जो है वहां से चंपन कुंजू नाव खरीदता है नाव खरीद कर वह जाल भी खरीदता है और अपना अपना का कार्य प्रारंभ करता है लेकिन जब परिकुट्टी का समय खराब होता है उसका व्यापार नहीं चल रहा होता है तो वह उसका ना तो पैसा लौटाता है और ना ही उससे व्यापार करता है उसे भगा देता है या कहकर पैसे लाओ दाम दो तभी जो है मछलियां मिलेगी वह अपने पुराने दिनों को भूल जाता है जब वह उसी से पैसा लेकर व्यापार प्रारंभ किया रहता है है ठीक और यहाँ पे एक अंधविश्वास यह भी है कि मछ मच, जो मछुआरों का जीवन होता है वह वास्तव में तट पर रहने वाली उनकी स्त्रियों के हाथ में ही होता है ठीक है अगर वो अपना स्त्रीत बचा कर रखेंगी तो समुद्र के अंदर मछुआरे सुरक्षित रहेंगे अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसा उनमें अंधविश्वास है और चेंपन कुंजू अमीर बन गया है अब जो है नाव वगैरह खरीद लिया पैसा कमाने लगा और अमीर बन गया व्यापार उसका चल निकला उसके स्वभाव बर्ताव में बड़ा अंतर आ गया है एक मालिक की मानसिकता का संचार उसमें अब होने लगा है सुखी होने मात्र की इच्छा मन में रह गई यानी कि अब व्यापार वगैरह उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वह सोचता है कि बस अब और सुख सुखी हो जाया जाए और उसका बचपन का दोस्त है एक अंचन कुंजू जो कि उसके बगल की ही झोपड़ी में रहता है रहता था ठीक है और वह इसके साथ भी चिंपन कुंजू जो है अपने इस मित्र के साथ भी अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेता है उसके साथ भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और चिंपन के पास इतना रुपया कहाँ से आया इस पर लोग विचार करते हैं कि वह इतनी जल्दी नाव खरीद लिया जाल खरीद लिया और मुखिया से अनुमति भी नहीं लिया और अंचन कुंजू और चक्की के बीच खूब झगड़ा हुआ एक दिन इसी बात को लेकर कि जो है वो कहां से लाया पैसे क्या करता है इसी चीज को ले अंचन को लेकर और इसमें ईर्ष्यालु माना गया है ठीक है कि जो है उसे ईर्ष्या हो जाती है कि उसके मित्र के पास इतना पैसा कहां से आ गया और अंचन कुंजू ने भी एक नाव खरीदने का निश्चय कर लिया चंपन कुंजू के दिली दोस्तों ने निर्णय किया कि चेंपन का कार्यकलाप समुदाय की मर्यादाओं के विरुद्ध है क्योंकि पोतकर होने पर भी उसने नाव खरीदी है ठीक है तट के मुखिया की अनुमति नहीं ली वहां पे मैंने पांच जातियों का जिक्र किया था जिसमें एक पोतकर थी और एक धीवर तो यहां पे नाव खरीदने का अधिकार किसको था धीवर जाति को था लेकिन यहां पर यह पोतकर जाति का होते हुए भी नाव खरीदता है ठीक है और फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाता है उसका व्यापार ठीक चलने लगता है लेकिन फिर भी वह पैसा नहीं वापस करता है ठीक है तो परिकुट्टी का पैसा नहीं वापस करता है तो एक दिन करुतम्मा अपनी से इसका विरोध प्रकट करती है और उसे यह भान हो चुका है या पता चल चुका है कि उसके पिता जो है वो उसके प्रेम संबंध का शोषण करने पर तुले हैं चेंपन कुंजू में नई नई अभिलाषाएं जाग उठी हैं और वह सोचता है कि चाकरा हो जाए जायदाद जमीन और मकान खरीद लेने के बाद बेटी की शादी की जाएगी ठीक है तो इस प्रकार उसके मन में विचार आने लगे हैं बाप ने मर्यादा की रक्षा करने की चेतावनी दी ठीक है किसको दी अपनी पुत्री को ठीक है पुत्री का नाम क्या है करुतम्मा चक्की की भी यही इच्छा हुई माँ बाप के कटवचनों से करुतम्मा का हृदय बिन् गया मतलब उसे दुख हुआ कि जो है मैंने ही पैसा लाकर दिया ठीक है अपने प्रेमी से मांग कर और फिर ये लोग उसका पैसा भी नहीं लौटा रहे हैं उल्टे मुझे ही डांट रहे हैं ठीक है, है? स्त्रियों की पवित्रता या मर्यादा की बात जब चक्की ने दोहराई तब ने अपनी माँ पर यह आरोप लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया कि पवित्रता का पालन तो वह भी नहीं कर रही है ईमानदारी और सत्यवादिता चक्की से छूट गई है चक्की कौन है करउतम्मा की माँ है ठीक है पैसा आने से चक्की के स्वभाव में भी भाव परिवर्तन दिखने लगा जो रुपए परिकुट्टी से उधार लिए गए थे उसके बारे में भी चक्की अब भूल गई बेटी के भविष्य के सपने मात्र वह देखने लगी है और समुद्र तट के सभी मछुआरे लोग चिंपन कुंज और चक्की के विरुद्ध खड़े हो गए हैं ठीक है क्योंकि इनका स्वभाव परिवर्तित हो गया और ये लोग अमीर बन रहे हैं तो लोगों में ईर्ष्या हो रही है कि लेकिन चिंपन की राय में वे सभी ईर्ष्यालु हैं चिंपन यही मानता है ठीक है और आगे बात करेंगे तो जो है आगे एक दिन ऐसा होता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन एक दिन समुद्र का रंग बदल जाता है और पोला आ जाता है पानी लाल हो गया और समुद्र पर फाके के दिन हो गए हर एक के पास बचत भी खत्म हो गई ठीक है क्योंकि वहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य जो है इस दौरान बंद होता है तो इस इसी बीच एक दिन चंपन कुंजू निर्णय करता है कि वह जाएगा और मछलियां पकड़ेगा और वह अप, अपने साथ चलने के लिए मछुआरों को कहता है लेकिन कोई इस दौरान इस खराब मौसम में जाने को तैयार नहीं होता है तो वह कहता है मैं बाहर से लोग बुलाऊंगा और उधर ही लेकर जाऊंगा और फिर बाद में मौसम सही होने के बाद भी मैं उन्हीं लोगों को काम पर रखूंगा और तुम लोगों को काम पर नहीं रखूंगा और उधर परिकुट्टी की हालत बिगड़ गई है अरे जात अरे जात के लोगों से भी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई है ठीक है वहां मछुआरे की एक जाति का वर्णन हुआ था अरे जात और रामन को दस पांच रुपये चिंपन जो है बीच बीच में दे देता है लेकिन परिकुट्टी से लिए उधार पैसे वह देने की नहीं सोचता ठीक है परिकुट्टी चाकरा व्यापार के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा था उसके बाप ने जो परिकुट्टी जब छोटा था तो जिस व्यापारी के साथ वो आता था यानी कि जब परिकुट्टी छोटा था तो यह व्यापार उसके पिता करते थे ठीक है तो उसके पिता ने क्या कहा कि यह धंधा जो है यह व्यापार जो है इसे बंद कर दो और अब कोई और कार्य प्रारंभ करो लेकिन परिकुप्टी इस पर तैयार नहीं होता है ठीक है और आगे चाकरा के समय ही मछुआरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है क्यों क्योंकि इस समय मछलियां ज्यादा होती है और व्यापार खरीदारी ज्यादा होती है तो इस समय उनको पैसे मिलते हैं ठीक है और आगे बात करें तो एक दिन समुद्र में उथल पुथल के बाद पानी जब शांत हो गया ठीक है मतलब जब पानी शांत हो गया तब मछुआरों की समृद्धि का उदय हो गया ठीक है मतलब तब जब पानी शांत हो गया मौसम सही हुआ चाकरा आया उनका व्यापार बढ़ा तो वहां पे चीजें स्टेबल हुई सारा स्थिरता आ गई फिर से ठीक है और चिंपन में अधिक उत्साह उमड़ गया कमाने का अच्छा अवसर सौ थाया ठीक है खाना खाकर एक और बटोर के लिए वह तैयार हो गया पास पास खड़े अंचन कुंजू ने कहा पैसा मिलेगा यह सोचकर समुद्र ही खाली कर दोगे क्या यानी कि पूरी मछलियां पकड़ लोगे तो यह जो है क्या है यह पर्यावरण के खिलाफ है कि वह अपनी लालच में क्या कर रहा है कि सारी मछलियों को पकड़ लेने पर तुला हुआ है ठीक है अपने लालच में लोभ बस हुआ यह कार्य कर रहा है और एक ही दिन में दो दो बार मछली पकड़ने के लिए वह जाने लगा है ठीक है इस पर और जो मछुआरे हैं उसका विरोध करते हैं क्योंकि यह पर्यावरण के भी खिलाफ है और इससे समुद्र खाली हो जाएगा ऐसा उन लोगों का विचार है तो यहाँ पर देखिए एक चीज और उभर रही है कि उनको पर्यावरण की भी चिंता है मछुआरों की वो लोग एक लिमिट में जो है मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं और फिर क्या हुआ अगले दिन घनघोर रात में घनघोर वर्षा हुई और फिर जब सुबह हुई मछुआरे जो है नाव लेकर समुद्र में उतरे बड़े सवेरे ही नाव ना निकलने के कारण चंपन काम करने वालों पर खूब बिगड़ा और सुबह सुबह एकदम नाव नहीं निकल पाए चंपन जो काम करते थे उनको बहुत डांटा उस दिन भी चंपन की नाव आगे थी लेकिन एक और नाव भी तेजी से आगे बढ़ रही थी अब यहाँ पे एक अलग घटनाक्रम होने वाला है पतवार की जगह पर एक बहुत होशियार आदमी खड़ा होकर फुलती से नाव का संचालन कर रहा था पता चला कि वह त्रिकुण पूा की नाव है ठीक है वह किसकी नाव है त्रिकुण पूा की नाव है पलन पतवार चालक है त्रिकुणा की नाव है की नाव है और पतवार का चालन कौन कर रहा है कर रहा है चैंपन की नाव और पलन की नाव बराबर बराबर रही आगे निकल जाने के लिए दोनों में होड़ सी लगी है ठीक है अब समुद्र के अंदर यह क्रियाकलाप चल रहा है बीच में ऐसा संदेह होने लगा कि चंपन की नाव जरा पीछे पड़ रही है लौटते भी समय दोनों में होड़ लगी रही और दोनों का अगला हिस्सा पास पास आ जाने पर मारपीट भी हो सकती थी थी ऐसी स्थिति बनी हुई थी। नावे आखिरकार किनारे पर लगी और किसी की हार न हुई लगभग दोनों बराबरी पर पहुंचे ठीक है चेम्पन ने पलन को गले लगाया ठीक है और कहा तुम सच मुसागर के बीर बेटे हो पलन चुप रहा बिक्री में उस दिन पलन को थोड़ा अधिक पैसा मिला पलनी से उसके बारे में जानकारी हासिल की गई और उसके माँ बाप पर पता चला कि मर चुके हैं ठीक है तो यहाँ पता करता है पालन से उसके बारे में पूछता ताजता है ठीक है तो पता चलता है उसके माँ बाप नहीं है ठीक है आगे चिंपन ने नाव वालों में जिद चिंपन के नाव वालों में आ गया ठीक है समुद्र तट पर इस प्रकार की ईर्ष्या होती रहती है और जब यह ऐसी ईर्ष्या होती है तो अब मारपीट पर ही खत्म होती है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो चिंपन है यह निर्णय करता है कि यह अपनी पुत्री का विवाह पलन के साथ करेगा और यहाँ पर अंत कहाँ हो रहा है एक सुखद अंत होने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर वह निर्णय करता है ठीक है और शादी की बात भी पक्की हो जाती है घर ले जाकर उसको खाना उना खिलाता है और आमंत्रण करता है इस प्रकार वहां पे बात होती है और निर्णय कर लिया जाता है पुत्री की इच्छा के विरुद्ध ठीक है फिर उसके बाद क्योंकि उसकी पुत्री तो प्रेम में है उसके साथ परिकुट्टी के साथ लेकिन वहां पे निर्णय कर लिया जाता है उसका विवाह करने का पलन के साथ और अंततः पलन के साथ उसका विवाह भी होता है और विवाह के समय जब उसे स्त्री धन देने की बात होती है तो तब पर भी करुतम्मा यही कहती है कि जो है मुझे स्त्री धन देने के बजाय जो उधार पैसे लिए हो तुम लोग उसको वापस कर दो ठीक है आगे बात करें आगे बढ़े तो इस प्रकार उसका विवाह होता है फिर उसके एक बच्चा भी होता है ठीक है और वहां पे उसकी छोटी बहन पंचमी उससे मिलने भी जाती है और दोनों में बातचीत चलती है हाँ दोनों में बातचीत चलती है कि जो है क्या जो छोटे मियाँ हैं यानी कि जो छोटे साहब है वो मुझे अभी भी याद करते हैं वह पंचमी से पूछती इस पर पलन को घिड़ा हो जाती है ठीक है तो ऐसे ऐसे घटनाक्रम चलता है आगे बढ़ते हैं तो त्रिकुणपुषा में आ बसने पर करुतम्मा को वहां का जीवन कुछ अजीब सा लगा जब उसकी शादी हो गई तो वहां आई लेकिन वहां का जीवन उसे थोड़ा अजीब लगा वहां की स्त्रियां एकत्र तो होकर नव वधु के बारे में बातें करने लगी ठीक है कि वह तो जो है बच चलन थी उसके वहां संबंध थे ऐसा वैसा वहां पर बात होने लगी ठीक है तो एक दिन अप्रत्याशित रूप से जब पलन लौटा तो उसे बहुत सारी मछलियां मिली और समुद्र से लौटा तो कवतम्मा से कहे बिना पलनी निकट के हरिपाड़ शहर चला गया मछलियां मिली थी तो उसे बेचने ठीक है कवतम्मा का मन उदास रहा खूब मछली या पैसे मिलने से अरे जात के लोग अलग पुसा शहर जाकर पैसे फिजूल खर्च करते हैं ठीक है फिर उसके बाद दो तीन घंटे रात बीतने के बाद पलन लौटा उसके हाथ में कागज की एक पोटली थी पोटली में महीन कपड़ा था पानी पीने के लिए जब घर में बर्तन नहीं है तब इस कीमती कपड़े की क्या जरूरत थी लेकिन बाद में गौतम को मालूम हुआ कि जीवन में जरी का महीन कपड़े भी एक जरूरी चीज है और जीवन सिर्फ घरेलू बर्तन और माल से ही पूर्ण नहीं होता ठीक है तो इस प्रकार वहां पे उसको मालूम होता है वह उसे समझाता है ठीक है आगे अगले दिन समुद्र तट पर पहुंचने में पलन को देर हो गई ठीक है वह फिर अगले दिन देर से पहुंचता है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था ठीक है और दोस्तों ने पलन से मजाक किया अब वह नाव को आवेश में बढ़ाता जा रहा था और उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे थे सबको लगा कि पलन पर एक भूत सवार हो गया है क्षितिज रेखा ही उसकी सीमा है अब वह क्षितिज रेखा पर ही जाकर रुकेगा ठीक है और इस प्रकार वहां पे घटनाक्रम चलता है और अंत में क्या होता है जब आगे बढ़ते हैं तो एक रात जो है गुस्सा कर पलन चला जाता है अपनी नाव लेकर रात में मछली पकड़ने अपनी छोटी नाव लेकर उसे बड़ी नाव से हटा दिया जाता है ठीक है तो वह अपनी छोटी नाव लेकर अकेले मछली पकड़ने का कार्य करता रहता है तो एक दिन वह रात में गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और उसी रात वहां पे परी कुट्टी आता है और वह उसको पुकारता है ठीक है इससे पहले का घटनाक्रम पे पहले लौटते हैं तो वहां पर जो है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है एक दिन करुतम्मा की जब करुतम्मा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर यह संदेश लेकर भी परिकुट्टी ही वहां आता है और इस पर और विवाद छिड़ता है कि एक मुस्लिम जो है उसकी माँ के मरने का संदेश लेकर आया है ठीक है और फिर इसी के बाद जो है पल्लानी को उसकी नाव से हटा दिया जाता है फिर वह छोटी नाव बनाता है और अपना कार्य करने लगता है एक दिन दोनों में आपस में बहस होती है और वह रात में ही नाव लेकर निकल जाता है उसी रात परिकुट्टी वहां आता है और उसे पुकारता है वह उससे मिलने जाती है समुद्र तट पर दोनों मिलते हैं और अगले दिन वहां पर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो वहां पर परिकुट्टी की और करुतम की लाशें समुद्र के पानी पर तैरते हुए दिखाई देती हैं और एक नाव वहां पर उल्टी तैर रही होती है और पता चलता है कि पलनी को जो है शार्क ने खा लिया है और इधर भी इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है इस प्रकार ये लोग अपने प्रेम को अंतिम प्रगति देते हैं और उधर उसका बच्चा जो है पलनी और करुतम्मा का वह पंचमी लिए हुए हाथ में रो रही है इस प्रकार का घटनाक्रम इसमें पूरा होता है ठीक है और विवाह पूर्व प्रेम संबंध रखने के किसी दोष का अनुभव ठीक है उसको नहीं हुआ एक सच्चे व निश्चल प्रेमी के रूप में परिकुट्टी उसको हमेशा प्रिय था और इस प्रकार उनका प्रेम इस परिणति को पहुंचा और यह सब क्यों हुआ यह सब सामाजिक दशा सामाजिक जो मान्यता थी उसी के कारण ऐसा हुआ ठीक है अन्यथा उन लोगों का विवाह होता और उनका जीवन कुछ और होता ठीक है तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन सारांश में हमने देखा ठीक है इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर साहित्यकार ने उपन्यासकार ने किया है ठीक है अब आगे कथानक की बात करेंगे कथानक की बात करें तो चमीन एक असाधारण प्रेम कहानी है विशेष प्रकार के पात्र अपूर्व घटनाएं एवं परिस्थितियां मिथक समूह मन आदि एक मिलकर यह असाधारण प्रेम कहानी बनती है कथानक के केंद्र में कथाकार ने करुतम्मा एवं परिकुट्टी के प्रेम को प्रतिष्ठापित किया है ठीक है एक प्रकार का प्रेम काव्य है ठीक है एक ऐसा प्रेम जो सामाजिक आचार विचारों की परवाह नहीं करता अरे स्त्री करुकम्मा की करु, अरे स्त्री उतम्मा और चतुर्थ वेदानुयायी ठीक है इस्लाम परिकुट्टी के बीच प्रेम है ठीक है जात की है और इस्लाम धर्म का परिकुट्टी है ठीक है है तो इन दोनों के बीच प्रेम संबंध है, इस प्रकार यहां पर कथानक है ठीक है धर्म विश्वासियों का प्रेम जिनके बीच वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं होता फिर भी खास बात यही है कि दोनों दिल से दृढ़ता पूर्वक प्रेम करते हैं उनको पता है कि यह समाज हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा फिर भी दोनों निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को प्रेम करते हैं कवितम्मा एवं परिकुप्टी के बाल्य की सूचना दी जाती है तो भी प्रथम आराध्य प्रथम अध्याय का आरंभ उनके विशुद्ध की मधुरिमा से भरी जवानी का चित्रण खींचते हुए नीरकुन्नम के प्रशांत एवं भावपूर्ण सागर की पृष्ठभूमि में उनके लिए योग्य निवास स्थान को उपन्यासकार ने ढूंढ निकाला है ठीक है अठारह बरस की उम्र तक समुद्र के साथ खिलखिलाते और परिकुट्टी से रसभरी बातें करते रहने वाली कौतम्मा को उपन्यास के प्रथम अध्याय में प्रस्तुत करते हुए भी उसकी जीवन गाथा को आच्छादित रखने की प्रतिभा शक्ति तकस ने दिखाई है ठीक है कवतम्मा के पिता चिंपन कुंजू माँ चक्की छोटी बहन पंचमी आदि कथा पात्रों की सहायता लेकर उपन्यासकार ने ऐसा किया है ठीक है उन्होंने इस प्रकार इस उपन्यास का चित्र खींचा है ठीक है आरए की जीवन शैली को नियंत्रण में रखने वाली एक मिथक है उसे तकस ने प्रथम अध्याय में जोड़ दिया जैसे वहां पर एक मिथक है कि जो है पंचमी ने वहां पर इस प्रकार का मिथक है कि जो है अगर कोई स्त्री अपना स्त्री भंग भंग करती है तो क्या होता है उसका पति समुद्र में मर जाता है समुद्र उसे खा लेता है ठीक है पंचमी ने अम्मा को सूचना दी कि दीदी छोटे मियाँ से खिलखिलाती बतियाती रहती है पंचमी आकर अपनी अम्मा को चक्की को बताती है कि जो दीदी है करुतम्मा है वह छोटे मियाँ अर्थात परिकुट्टी से हमेशा खिलखिलाती है बतियाती है ठीक है उस प्रसंग को लेकर चक्की ने अरे जीवन को नियंत्रित करने वाली मिथक बेटी को सुनाई यही वाला जो मैंने अभी बताया कि जो है अगर स्त्रियां अपना स्त्री तो भंग करती हैं तो उसका पति समुद्र में मर जाता है गायब हो जाता है ठीक है धनराज के प्रति चिंपन कुंजू का अदम में लालच बेटी के भविष्य पर आशंकित होते हुए भी माता चक्की की सुख लोलुपता आदि को प्रारंभ में ही तकस ने व्यक्त किया है ठीक है ये दोनों रीतियां गौतम के जीवन में निर्णायक घटक हैं सूक्ष्मता से देखने पर कथानक को आगे ले जाने वाला घटक चंपन कुंजू को पैसे का लालच है ठीक है जो कथानक आगे बढ़ता है वो किससे बढ़ता है चंपन कुंजू द्वारा पैसे का लालच किया जाना वही इस कथानक को बढ़ाने में पूर्णतया मदद करता है ठीक है नाव खरीदने और नाव को जल में उतारने सात सज्जाओं के लिए पर से उधार लेता है और ऐसा वह दो बार करता है और दो नावें बनाता है लेकिन चंपन कुंजू को इस तथ्य की जानकारी अंत में हो जाती है कौतम्मा के प्रेम के कारण उसे पैसे मिले थे समुद्र तट पर अनेक लोग इस च, इसकी चर्चा करते रहते थे यह चर्चा चंपन कुंजू के कानों में नहीं पड़ी यहाँ स्वाभाविक स्वाभाविकता है क्योंकि जब उसे लोग देखते तो चर्चाएं करना बंद कर देते थे पीठ पीछे ये चर्चाएँ चलती रहती थी बच्चों के समान सुखी जीवन बिताना है ठीक है इस महामोह से भरे मन में दूसरा कोई प्रवेश नहीं पा सकता है चक्की ने पूर्व सूचना दी थी कि छोकरी किसी मलच्छ के साथ भाग जाएगी इस संदर्भ में उस मलच्छ को परिकुट्टी समझने योग्य वातावरण की सृष्टि में आ गई है ठीक है तो इस प्रकार यहां पर वर्ण है लेकिन चेंपन कुंजू ने उसकी अनसुनी की कथानक की प्रगति की स्वाभाविकता को लक्ष्य कर ऐसा किया गया है ठीक है चक्की की इच्छा के अनुसार कतम्मा को दृढ़ वैवाहिक संबंध प्राप्त हो, जा, हो जाता है कथानक की तीव्रता नष्ट हो जाती है ठीक है कतम्मा के प्रेम संबंध को दुखांत अथवा त्रास्ती बनाने के लिए जानबूझकर लेखक लेखक ने चिंपनकुंजु चक्कियाद की मनोदशाओं के सृष्टि की है ताकि उसका जो यह प्रेम है इसका अंत त्रासद किया जा सके जैसा कि उन्होंने किया भी है दिखाया भी है ठीक है और इस प्रकार यहां पे इसका कथानक चलता है ठीक है आगे बढ़े तो पात्र सृष्टि की बात करेंगे अगर पात्र सृष्टि की बात करें इसके तो उपन्यास का स्वरूप इतना स्वच्छंद है कि उसमें जीवन का समग्र चित्रण साध्य हो सका है। उसमें जीवन का समग्र चित्रण इस उपन्यास में चेमीन उपन्यास में लेखक ने किया है ठीक है और उपन्यास में अनेक प्रकार के कथा पात्र होते हैं जैसा कि इसमें भी है ठीक है और तक को कुटनाथ का कथाकार कहा जाता है वहां के मनुष्यों के प्रतीक स्वरूप अनेक पात्रों की सृष्टि होने की ठीक है वहां पे संभावना रहती है ठीक है और आगे बढ़ेंगे अब इसके पात्रों की बात करेंगे पात्र देखें तो इसमें परिकुट्टी है परिकुट्टी के बाद करुतम्मा है और करुतम्मा के बाद पलन है चिंपन कुंजू है चक्की है ठीक है तो इस प्रकार यहाँ पे प्रमुख पात्र इस प्रकार हमारे समक्ष उपस्थित होते है, है? परिकुट्टी पर, परिकुट्टी पर हैं ठीक है सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे तो चिबेन दुखांत कथा का नायक है परिकुट्टी ठीक है तो इसका नायक है परिकुट्टी और नायिका कौन है करुतम्मा ठीक है तकस दृढ़ता पूर्वक क्या मानते थे कि कथा पात्र चलते फिरते सहज मनुष्य होने चाहिए ऐसा ना लगे कि उन्हें ऊपर से थोपा गया है ठीक है परिकुट्टी का जन्म निरकुंदम के सागर तट प्रदेश में नहीं हुआ था ठीक है जहां की करतम्मा जन्म नहीं हुआ था उसका बाबा उसी प्रदेश का झींगा व्यापारी था वह मछलियों का व्यापार करता था और वो, वे लोग यहाँ पर मछलियां खरीदने आया करते थे थी। ठीक है बाबा की हथेलियों में झूलकर बचपन में तट प्रदेश में वह पहुंचा था यानी कि यहां आया करता था उसी दिन उसे कलतम्मा से भेंट मिली ठीक है वह से उसकी भेट होती है मुलाकात होती है, है। वह उसे भेंट करती है उस प्रगटन के पश्चात दोनों उसी तट प्रदेश में मित्रता से रहे और बड़े हुए फिर उसके मैत्री बंध में प्यार का नया रंग चढ़ा लेकिन परिकुट्टी ने कभी स्त्रियों के रीति रिवाज एवं तमीज को तोड़ने की प्रेरणा नहीं दी नाव की छाव में बैठकर बहुत कुछ हंसते थे जिसमें दूसरों की हंसी नहीं आती थी इस बीच एक दिन उसने पूछा, नाव और जाल खरीदने का पैसा दोगे पिताजी की बातों को सुनकर ही उसने यह मांग की थी ठीक है उसमें प्रेम का स्वर नहीं था एक साधारण वाक्य लेकिन उस वाक्य ने परिकुट्टी के ही नहीं दूर प्रदेश त्रिकन पुषा के पलन के जीवन को भी बदल दिया यहाँ पे एक त्रिकोण स्थापित हो जाता है पलन करुतम्मा और परिकुट्टी के बीच और तीनों का जीवन पूर्णतया बर्बाद हो जाता है इस एक छोटे से वाक्य के कारण ठीक है कि पैसा दोगे और यही पैसा जो है आगे चलकर इनके पिता चेम्पन कुंजू के लोभ का कारण बनता है और फिर उसका और लोभ बढ़ता जाता है और वह अंत में जाकर तीन जिंदगी बर्बाद करता है ठीक है इसमें सामाजिकता का भी उतना ही अहम रोल होता है जितना कि उसके पिता का रोल है ठीक है वह प्रश्न दुरंत का बीज था यानी कि यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कौतम्बा एवं परिकुट्टी के प्रेम संबंध में अपूर्व कल्पना शक्ति एवं चारुता है इसी दशा में परिकुट्टी साधारण पुरुष एवं नायक बन जाता है अन्यथा वह एक व्यापारी का पुत्र होता है और पर्याप्त अमीर होता है ठीक है लगता है एक साधारण व्यक्ति दूसरे के ही समान लेकिन उस सबसे भिन्न है क्योंकि उसमें प्रेम है अपनी प्यारी प्रेयसी दूसरे की पत्नी बन जाती है जब उसकी माता बनती है तब भी उसके प्रति जो मनोदशा थी उसमें कोई अंतर नहीं आता उसका जो प्रेम है वो निश्चल है और है है वैसे का वैसा बना रहता है, दूसरे की पत्नी बनती है, और फिर दूसरे के बच्चे की माँ बनती है लेकिन उसका प्रेम जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है यही अपूर्वता है करुतम्मा के ही कारण परिकुट्टी की आजीविका जीवन पारिवारिक संबंध सब नष्ट हो हो गए यही साधारण धारणा हो सकती है लेकिन इस असाधारण नायक के मन में ऐसी धारणा नहीं थी वे दोनों विशेषकर परिकुट्टी, ठीक है, करुतम्मा और परिकुट्टी में विशेषकर परिकुट्टी चाहता था कि जीवन के में साथ साथ मिलन ना हो पाए तो मृत्यु के बाद हो जाएगा जीवन में न मिल पाए तो कम से कम मृत्यु के बाद तो हम मिले ही और अंत में हम देखते हैं यही होता है ठीक है धन कर्ज घाटा चिंपन कुंजू का धोखा इन सब में से एक भी उसके लिए समस्या नहीं है ठीक है सभी भौतिक परिवेश में वह प्रेमी था और केवल एक प्रेमी था ठीक है उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे फर्क पड़ता था सिर्फ एक चीज़ से उसके प्रेम से ठीक है करुतम्मा के परिचय से प्रेरित होकर परिकुट्टी ने पैसे दिए यह जानकारी जब प्राप्त हुई तब चेम्पन कुंज ने परिकुट्टी का कर्ज चुकाना चाहा तब तक वह परिकुट्टी से कहा करता था कि जब पैसा तब व्यापार ठीक है और यह कहकर वह उसे भगा दिया करता था और उससे व्यापार नहीं करता था ठीक है यह वाक्य सुनकर चुपचाप पराजित सा परिकुट्टी लौट जाता था उसका एक ही कारण था गौतम्मा के प्रति प्यार ठीक है अन्यथा उससे वह पैसा लिया था वह कुछ भी कर सकता था लेकिन वह चुपचाप शांति से लौट जाता था क्यों क्योंकि उसे गौतम्मा से प्रेम था पागल बनकर निराधार प्रेतात्मा की तरह तट प्रदेश में भटकने वाला चिंपन कुंजू कुछ परिकुट्टी के हाथों में थमा देता है ठीक है तब उसने सोचा हो कि इस पैसे से जीवन दोबारा हरा भरा बन जाएगा तो वह परिकुट्टी बन नहीं पाता क्योंकि वह ऐसा करने में अक्षम रहता है आगे सब ऐसा सोचते हैं कि प्रेम का साक्षात्कार विवाह में ही है परिकुट्टी विवाह की सोचता तक नहीं ठीक है उसे विवाह से कोई ताल्लुकात नहीं है उसका प्रेम जो है वह वा वास्तविक है वह वा सच सच्चाई उसे इस सामाजिकता से कोई लेन नहीं है तभी उसे उसकी पत्नी उसकी प्रेमिका का विवाह हो जाता है और वह माँ बनती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है और इसीलिए वह कभी कौतम्बा से घर से भागने की भी बात नहीं करता जैसे जीवन की पूर्णता मृत्यु में है वैसे ही प्रेम मृत्यु से पूर्ण हो जाता है वो उसका मानना है कि अगर जीवन में नहीं मिल पाएंगे तो मृत्यु के पश्चात हम जरूर मिलेंगे परिकुट्टी के जरिए तकश ने अपूर्व परमानुभूति प्र, अभिव्यक्त किया है यह कथा पात्र व्यक्त कर देता है कि तकसी का प्रेम दर्शन असाधारण है है ठीक तो यह हमें के माध्यम से देखने को मिलता है आगे बात करेंगे अगला जो प्रमुख पात्र है इसका वह है कि करुतम्मा करुतम्मा जो है इसकी नायिका है इस उपन्यास की और वह जो है एक अपूर्व नायिका है जो निरंकुनम निकुंदम तट प्रदेश में जन्मी पत्नी एक साधारण मछुआरी ठीक है लेकिन उसके प्रेम ने उसे एक असाधारण नायिका का पद प्रदान कर दिया ठीक है वह चिंपन कुंज और चक्की की बड़ी पुत्री है उसका प्रारंभिक जीवन तट पर उड़ते फिरते चलने वाले एक सूखे पत्ते के समान था ठीक है खेलते कूदते मौज मस्ती में उसका बाल्यकाल व्यतीत हुआ बाल्यकाल के स्वतंत्र जीवन के समय वह पारी से परिचित हुई थी ठीक है वह उसको अच्छा लगा जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसने अपना गुलाबी शंख उसको भेंट कर दिया बाद की कहानी से यह व्यक्त हो जाता है कि वह शंख उसके जीवन का और उसके दिल का प्रतीक था ठीक है जवानी के दिनों में उस संघ के स्थान पर उसका दिल आ गया ठीक है बंधन बढ़े कलतम्मा को लगा कि बड़ी होना नहीं चाहिए था हंसने बोलने देखने आदि सब में मना ही आ गई साथ-साथ मछुआरीन की लीत-नीत की संकल्पना ठीक है या अलग ही एक बिडंब बना थी ठीक है और उपन्यास का प्रारंभ कैसे होता है तो उपन्यास का प्रारंभ जो है वह वा इसी वाक्य से होता है कि पैसे दोगे तो वह कहता है कि पैसे दूंगा लेकिन फिर तुम मछली दोगी तो परिकुट्टी इस पर हंसते हुए कहे इस पर कौतम्मा हंसते हुए कहती है कि अच्छा दाम मिले तो दूंगी ठीक है तो वह कहता है मछली दोगी तो वह कहती कहती है है अच्छा दाम मिले तो दूंगी ठीक है इस पर दोनों में हंसी होती है और फिर वह पैसे लेकर आती है तो इस प्रकार का घटना क्रम यहाँ पर चलता है ठीक है आगे कवतम्मा के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश की मिथक को मानकर कौतम्मा पालन की पत्नी बनी यह कहते हुए वह त्रिकंदुषा चली गई ठीक है त्रिकंद त्रिकंदूषा चली गई के मृत्यु के बाद साथ मिलेंगे ठीक है किससे कहकर चली गई अपने प्रेमी से कहकर ठीक है अपने शब्द सार्थक बन गए तो अस्वस्थ बनी ठीक है व्यापार के शिथिल हो जाने पर मारा मारा फिरने वाला छोटा बिया उसके मन की नित्य वेदना बन गया ठीक है पतिव्रता बनकर रहने का उसने निश्चय कर लिया चिंपन कुंज की बातों को टालकर वह पलन के साथ गई तो उसका लक्ष्यशील संरक्षण था ठीक है और फिर क्या हुआ चहल पहल हुई एक दिन और चक्की गिर पड़ी तो चक्की भी उसको पलन के साथ चाहती थी ठीक है चक्की चाहती थी कि एक बार जो है पलन के साथ हुआ उसे देखने आ जाए जब चक्की बीमार हो जाती है वह गिर पड़ती है ठीक है लेकिन परकुट्टी के पैसे वापस करने का उनमें कोई भी उनके माता पिता में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इसे लेकर उसका बार बार अपनी माँ से बहस भी हो जाया करती थी जब चंपन कुंजू अपनी पुत्री कम्मा का विवाह जो है पलन के साथ करना चाहता है जो कि एक साधारण मनुष्य तो वहाँ के आसपास के लोगों में समाज में यह वार्तालाप चली यह बातें चलने लगी कि एक नाव और जाल का स्वामी अपनी बेटी को पलन ही जैसे एक अनाथ के हाथों में सौंपना चाहता है तो उसके पीछे कोई रहस्य हो सकता है ठीक है उन बातों की परवाह किए बिना एक जिम्मेदार एवं स्नेहमयी पत्नी बनकर रहने का उसने निश्चय किया ठीक है उसके साथ कोई भी स्त्री नहीं चली थी कुछ पुरुषों के साथ वह पालन के घर पहुंची थी ठीक है वह पालन के घर जाती है तो उसके साथ कोई भी स्त्री नहीं रहती कुछ पुरुष ही रहते हैं ठीक है, है। चौथे दिन दावत का बुलावा देने के लिए दुल्हन के घर से कोई नहीं आया ये दोनों बातें साथ साथ मिल गई कि जब उसका उसकी विदाई हो गई तो उसके घर से कोई बुलावा देने नहीं है जैसी प्रथा होती है चौथे दिन दुल्हन के घर से यानी कि कल कलतम्मा के पिता के घर से कोई ना कोई आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने समाज की जो शंका थी उसको और भी दृढ़ कर दिया और वहां पे ऐसा फिर बातचीत चलने लगी वार्तालाप चलने लगा प्रदेश के लिए अयोग्य एक लड़की को एक अनाथ के हाथों में थमाकर उस तट प्रदेश के सत्यानाश के लिए इसे भेजा गया है यहाँ पर ठीक है क्योंकि यह अपने का पालन नहीं कर सकती और इससे इस प्रदेश का विनाश हो जाएगा उसके बाद जितनी भी बातें हुई सब की सब कौतम्मा के विरोध में थी वह मछली बेच ना सकी दूसरी मछुआरिनों ने अफवाह फैलाई कि वह पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट कर व्यापार को सुगम बनाती है चक्की की मृत्यु की खबर देने के लिए जब परिकुट्टी वहां आता है तो उसके विरोध में पलन को नावों में ले जाने पर रोक लग गई वे दोनों तिरस्कृत होने लगे और इसी बीच उसने अनुभव किया कि पलन का प्यार ढीला पड़ता जा रहा है लेकिन वह धीर रही क्योंकि वह गिरी नहीं थी ठीक है उसका चरित्र जो था वह खराब नहीं था वह इसीलिए धैर्य धारण करी हुई थी इसका मतलब यही कि परिकुट्टी के साथ उसका शारीरिक संबंध नहीं हुआ था ठीक है हर समाज नारी की परिशुद्धि का निर्णय इसी आधार पर करता है कि अगर उसका शारीरिक संबंध नहीं है किसी से तभी वह शुद्ध है अन्यथा वह शुद्ध नहीं है ऐसा हमारे समाज की विडंबना है वह इस प्रकार का इस प्रकार के विचारों को लेकर आगे बढ़ता है ठीक है जैसे जैसे कलकम्बा अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहती है वैसे वैसे पलन पूछता रहता है कि तुम अपने पर भी भरोसा नहीं कर सकती हो उस वाक्य ने उसके मन को जला दिया पलन का दृढ़ विश्वास था कलतम्मा के पीछे कहानी है उसने उसके बारे में पूछताछ की पैसे के लेन देन गीत की अंतिम विदाई आदि को छिपाकर ठीक है पैसे का लेन देन और गीत की वश्यता और अंतिम विदाई ये तीन घटनाक्रम उसने छिपा लिए और सारी बातें सारी कथा उसने पलन को सुना दी ठीक है उसने वचन दिया कि तट प्रदेश की लायक मछुआरिन बनकर वह जीवन बिताएगी पलन से उसने ऐसा वादा किया पलन ने कलतम्मा पर विश्वास किया फिर भी उसके मन में एक काला धब्बा शेष रह गया कि उसको निरकुंदम से निकाला गया था ठीक है कि तो उसके मन में एक चीज था कि उसे निरकुंदम से निकाला गया था वह अपने आप यहां मतलब एक तरीके से उसका विवाह करके उसको उस समाज से उस प्रदेश से निकाला दे दिया गया था एक बच्ची यानी उसे एक बच्चा भी हुआ ठीक है तो उसके जीवन की गति बदल गई आज जीवन का एक लक्ष्य है बच्ची का पालन पोषण करना बगैर किसी संघर्ष के जीवन चलता रहा तो सौतेली माँ से झगड़ा कर छोटी बहन पंचमी भी वहाँ पहुँची ठीक है जब चक्की की मृत्यु हो जाती है तो उसका पिता यानी कि कलतम्मा का पिता वह दूसरा विवाह करता है और पंचमी उससे लड़ झगड़ कर वहाँ पर आ जाती है ठीक है फिर उसके बाद उसकी उपस्थिति पलन को अच्छी ना लगी और पंचमी वहां आती है तो वह पलन को अच्छा नहीं लगता ठीक है उनके अनिश्चित कार्यों की याद दिलाने वाली उपस्थिति ठीक है तो वहां पे क्या होता है पंचमी वहां आ जाती है तो उसके जो पुरानी यादें हैं वो सब फिर से ताजा होने लगती हैं ठीक है कलतम्मा और पंचमी का वार्तालाप पर तक जा पहुंचता है कलतम्मा और आकांक्षा को दमित नहीं कर सकी ठीक है कलतम्मा अपनी इच्छाओं को और ज्यादा दमित नहीं कर सकी और पूछ पड़ी कि क्या छोटे मियाँ उसे अब भी याद करते हैं या नहीं पंचमी से यह बात वह पूछ पड़ी उस प्रश्न का उत्तर देने वाला पलन था ठीक है और इस बात को बीच में पलन पकड़ लिया और वह फिर यहाँ पे वार्तालाप चालू हो गई पलन और उसके बीच में कलतम्मा के सारे आच्छादन हट जाते हैं वह सोचने लगती है कि शादी के पहले किसी से प्यार किया तो इसमें क्या गलती है ठीक है यह जानकर कि करुतम्मा के मन में अब भी परिकुट्टी जी रहा है भावा भावाविष्ट होकर सागर में नाव खेने चला गया करुतम्मा तट पर तपोलीन नहीं रही परिकुट्टी की स्मृति में लीन रही ठीक है वह परिकुट्टी को याद करती रही और उधर पलनी नाव लेकर अपनी छोटी सी नैया लेकर समुद्र में चला गया है ठीक है और उसी रात झकझोरने वाला तूफान आता है जहां परिकुट्टी भी वहाँ पहुंचता है परिकुट्टी की और इसकी करुतम्मा की मुलाकात होती है उधर पलन की मृत्यु हो जाती है उसे सार खा जाता है इधर ये लोग समुद्र में मरे हुए सुबह पाए जाते हैं तो इस प्रकार इनका प्रेम समाप्त होता है तकस ने सागर तट की एक साधारण स्त्री स्त्री के मन में प्यार भर दिया और उसे एक असाधारण नारी बना दिया करुतम्मा में अनेक प्रकार के गुण हैं जैसे सत्य नीति विश्वास उत्तरदायित्व भाव सहोदर स्नेह चिंतन शक्ति युक्त विचार आदि उसके गुण हैं ठीक है परिकुट्टी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा मानो तो भी उसमें मछुआरे की रीत नीत को सुरक्षित रखने का नैतिक भाव था वह परिकुट्टी से जान से ज्यादा प्यार करती थी लेकिन उसे अपने स्त्रित्व की पूर्ण चिंता थी वह या नहीं चाहती थी कि उसका पति जो है सागर में जाकर मर जाए वह इस मान्यता को पूर्णता जीवित रखना चाहती थी ठीक है तो इस प्रकार यहाँ पे घटनाक्रम घटता है और उसका चित्रण ये रहा अब आगे बात करेंगे पलन के बारे में पलन के बारे में नब्बे त्रिकोण प्रेम पाया जाता है ठीक है यह निकस माना जाता है चम्मीन का पलन साधारण खलनायक नहीं है वह जानबूझकर परिकुट्टी और कलतम्मा के प्रेम संबंध में बाधा नहीं डालता है अनजाने में वह खलनायक बन जाता है ठीक है वह एक अनाथ था जो त्रिकुंड पुषा तट प्रदेश में पड़ा था वह बड़ा तो बड़ा हुआ तो काम किया मन भर खाया और सोया ठीक है और एक शक्तिशाली मछुआरा बन गया ठीक है स्वच्छंद किसी के प्रति किसी भी प्रकार का दायित्व से नहीं था पूर्णतया वह स्वच्छंद था ठीक है पलन चाकरा के काल में निरकुंडन तट पर पहुंचता है वही जो है हमने पीछे चर्चा की उसके पिता से उसकी मुलाकात होती है ठीक है और फिर कलतममा का विवाह इससे पलन से हो जाता है पलन के चरित्र की बात करें तो वह अनाथ होकर भी स्वाभिमानी था अशिक्षित होकर भी अधिकारियों का जानकार था ठीक है और पत्थर दिल वाला अगर माने उसे तो वह स्नेह मई भी था ठीक है धोखे के प्रति असहिष्णु था परंपरागत खलनायक संकल्पना से भिन्न व्यक्तित्व पा, वाला पात्र था हमें कहीं भी पूरे उपन्यास में पलन से कहीं भी द्वेष नहीं होता ठीक है हमें उससे एक प्रकार की सहानुभूति होती है जबकि वह खलनायक पात्र के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है जो कि उससे अनजाने में होता है ठीक है एक साधारण मछुआरे से जिन जिन अच्छाइयों की अपेक्षा कर सकते हैं वे सारी अच्छाइयां पलन के अंदर मौजूद है धोखा देने के कारण ही हुई मनोदशा और हर धर्मिता के अलावा और कोई बुराई उसमें नहीं है ठीक है एक पति के लिए आवश्यक परिपक्वता सहिष्णुता एवं आत्मधैर्य उसमें मौजूद है वह पति के रूप में परिपक्व है सहिष्णु है और धैर्यवान भी है ठीक है परिकुट्टी जैसा एक नायक कहीं भी दर्शित हो सकता है लेकिन पलन जैसा खलनायक अन्य पात्र नहीं पाया जा सकता क्योंकि ऐसा खलनायक हमें मुश्किल से ही देखने को मिलता है जिसके प्रति हमें सहानुभूति उत्पन्न हो जबकि नायक तो ऐसे नायक के प्रति संभव सं, हमेशा ऐसा होता है कि हमें उससे सहानुभूति होती है लेकिन यह पहली बार है कि जब किसी खलनायक के प्रति हमें सहानुभूति होती है ठीक है उसके बाद अगले पात्र की बात करें तो वह है कुंज चेंपन कुंज जो है करुतम्मा का पिता है चक्की का पति है ठीक है और अपनी एक नाव और जाल खरीदने की इच्छा में ठीक है वह मन थामे हुए हर मछुआरा मतलब हर मछुआरों की तरह वह भी जो है थोड़ा सा अपना स्तर ऊपर उठाने पे जोर देता है इस पर बल देता है ठीक है और उसके अंदर पैसे की प्यास है थोड़ा लालची है ठीक है उसने पल्लनी को अपनी पुत्री का पति बनाया था ठीक है उससे उसने शादी कराई पति पल्लनी को उसने कुछ ना दिया या भी उसका जो है पैसे के प्रति लगाव हुई है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने नहीं दिया ठीक है और उसने अपनी पुत्री का इस्तेमाल किया आ, पैसा वसूलने में ठीक है पैसा उधार लेने में परिकु परिकुप्ति से ठीक है और इतना ही नहीं प्रदेश मर्यादा का उल्लंघन कर उसने भारी भरकम दुलही शुल्क के रूप में मा, मांगी और शादी के दिन झगड़े की परिस्थिति बनाई इसे सुनकर चक्की बेहोश होकर गिर पड़ी ठीक है पलन को घर जमाई बनाने की आशा असफल बनी तो पति के साथ जाने को पुत्री को तिरस्कृत कर दिया मतलब वह सोचता था कि पलन को मैं घर जमाई बना लूंगा और यही लेकिन पलन इस पर तैयार नहीं होता है तो आप पुत्री को भी उसके साथ छोड़ देता है कि जाओ और अब यहाँ नहीं आना है ठीक है मतलब उसे भी वह तिरस्कृत कर देता है चक्की का स्वास्थ्य गिरता है तो वह सुख भोगने का मुँह उसका टूट जाता है जो उसके अंदर लाल लालसा रहती है कि वह सुख भोगेगा और बेहतर जीवन व्यतीत करेगा वह सब उसके मन से निकल जाता है पत्नी की मृत्यु के बाद उसने दूसरी शादी की तो भी वह सुख दूर ही रहा फिर वैसी स्थिति उसके मन में वैसी मानसिक स्थिति नहीं बन सकी कि दोबारा से उसे सुखी जीवन व्यतीत करना है सौतेली माँ के प्रति पंचमी की नफरत अपने पुत्र के लिए दूसरी पत्नी द्वारा पैसे की चोरी आदि से चिंपन कुंज पागल सा बन गया ठीक है तो उसकी जो दूसरी पत्नी लाया था वह अपने पुत्र के लिए इसके पैसे की चोरी करती है ठीक है पागल की तरह उसने परिकुट्टी के हाथों रुपए थमा दिए और समुद्र तट पर घूमता रहा चिमेन उपन्यास में जितनी भी दुर्घटनाएं घटती हैं उन सब सब उसके लालच की ही वजह रही तो वहां पे जो कुछ भी होता है इतनी बड़ी त्रासदी होती है कि इस उपन्यास का त्रासद होता है उस उस सब का कारण परिकु, जेम, है ठीक है तो इस प्रकार कुंज जो है इसका वास्तविक खलनायक कहा जाना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से सारे भी वहां पे सारी त्रासद घटनाएं है, होती हैं वह एक प्रकार का लालची व्यक्ति है अगले उपन्यास की बात करें तो वह है चक्की और चक्की जो है दूसरी श्रेणी के पात्र के रूप में इस उपन्यास में हमारे सामने आती है चक्की का महत्व नायिका कलतम्मा की मां पात्र के रूप में नहीं है उपन्यास के प्रथम अध्याय के अध्याय से 13वें अध्याय तक ठीक है उपन्यास के पहले अध्याय से और 13वें अध्याय तक वह अपनी सजीव उपस्थिति के साथ तथा बाद के बीसवें अध्याय में एक अपूर्व आत्मीयता की उपस्थिति से इस पात्र का दर्शन हमें मिलता है ठीक है लालच और स्वार्थ की मूर्ति के रूप में ठीक है चिमेन को एक दु, दुरनत कथा का रूप देने वाले चिंपन -पुंज की पत्नी है ठीक है यानी कि एक लालची मछुआरे की पत्नी के रूप में वह इस उपन्यास में हमारे समक्ष आती है जो अपनी पुत्री पर ही विभिन्न प्रकार के बंधन स्थापित करने का प्रयास करती है ठीक है मल्ला की असली संपत्ति मल्लाहीन की पवित्रता ही है या उसकी मान्यता है ठीक है और यही चीज वह अपनी पुत्री को भी सिखाती है ठीक है सुख लोलोपता का आग्रह है उसमें वह भी सुख भोगना चाहती है वह भी चाहती है कि अच्छा घर हो अच्छा सुख सुविधाएं हो ठीक है और वह इसका विरोध करती है कि परिकुप्टी जो है उससे प्रेम करता है लेकिन वह इस बात को परिकुट्टी उसकी पुत्री से प्रेम करता है वह इस बात को जानती है लेकिन वह इस बात को छुपाए रखती है की कराना। बातों पर चक्की ने अपना तो पहले ही प्रकट किया था फिर भी अपने विचारों पर अडित रहने की हिम्मत उसको नहीं थी ठीक है वह इस का विरोध करना चाहती थी क्योंकि वह अपने स्थिति को बचाए रखना चाहती थी लेकिन वह अपने विचारों के प्रति दृढ़ नहीं थी इसीलिए वह ही अपने विचार परिवर्तित कर दिया करती थी, थी आगे कवतम्मा से संबंधित बातें निकट के समुद्र के लोगों ने भी जान ली थी चक्की दुखी रही विवाह के दिन किसी ने कहा इस समुद्र तट का सर्वनाश ना होने के लिए कौतम्मा को दूसरे तट पर भेज दिया गया है और यह बात सुनकर वह बेहोश हो गई ठीक है शादी के मुहूर्त भर संघर्ष बना रहा चक्की और बीमार पड़ी फिर उसके बाद उसने खाट पकड़ ली और फिर वह उसके बाद कभी उठ ना सकी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई ठीक है वह एक अच्छी पत्नी है वह जो है अपनी बीमारी की अवस्था में अपने पति से कहती है कि जो है मेरे बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना ठीक है तो इस प्रकार वहां पर घटनाक्रम चलता है आगे शादी के बाद चौथे दिन वर वधू दोनों को दावत पर बुला लेना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है जिससे चक्की शोभ और दुख के कारण अधिक बेहोश हो गई मतलब वह अधिक उसका मनोबल टूट गया बेटी के दाम्पत्य जीवन में आने वाली अमंगल घटनाओं का संकेत माँ को अनुभूत हुआ ठीक है और उसकी बीमारी बढ़ती गई उसके पास आने की भी अनुमति नहीं थी गौतम्मा को ठीक है क्योंकि उसका पिता ऐसा नहीं चाहता था कि वह दोबारा यहाँ पर लौट कर आए पर कुट्टी को देने वाला धन वापस न दे सकी यह सब चिंताएं उसे सता रही थी तो इस, इसी प्रकार उसका भी त्रासद अंत होता है वह भी मृत्यु को प्राप्त करती है उसके बाद तो ये रहा पात्रों का चरित्र चित्रण अब आगे बात करेंगे इसकी भाषा शैली पर भाषा शैली पर बात करें तो में जो भाषा शैली है उसमें उपन्यास में चित्रित कई बिंबों का विश्लेषण कर लेना आवश्यक हो जाता है फिर भी हम आख्यान कला के ही एक और अंग शैली की ओर बात करते हैं जैसे कि चिमीन में अभिव्यक्त काल्पनिक शैली में नाटकीयता काव्यात्मकता और धन्यात्मकता समन्वित है प्रसंगानुकूल इसमें चारुता लाई गई है शैली यहाँ स्वाभाविक है उसके निर्माण के बारे में तकस ने संकेत भी दिया है ग्रामीण जनता की भाषा को तकस ने अपना माध्यम बनाया है ठीक है ग्राम के वृद्ध जनों एवं ग्रामीण स्त्रियों के मुंह से सुनी गई कहानियों की जो शैली है उसकी जड़ें तकस के मन में पनप रही थी पिता कथकली के अभिनेता थे पुराण कथाओं को बताने की शैली का प्रभाव भी भाषा संस्कार में उनके उपलब्ध है मलयालम के मूर्धन मुर, मुंडसेरी का मत है उन्होंने कहा था कि उन्होंने जीवन का व्याकरण सीखा था ठीक है तकस के बारे में बता रहे हैं मुंडसेरी ठीक है जीवन की भाषा में उन्होंने लिखा है था उत्कृष्ट कृतियों के सृजन में थ उनकी कलम को भाषा की जानकारी तक नहीं थी ललित साधारण सी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है साधारण आदमी को भी परिचित पदों का प्रयोग लिखित भाषा संपदा से प्रायः न आने वाले शब्द समूह बहुत कम संस्कृत शब्द ललित वाक्य संरचना आडंबर रहित कृत्रिम संरचना ठीक है स्वच्छंदता तकस की भाषा शैली की खूबियां हैं ठीक है, है भाषा शैली में क्या क्या मिलता है कि साधारण आदमी को भी परिचित पदों का प्रयोग मतलब जो साधारण आदमी जिन पदों से परिचित हो ऐसा प्रयोग करते हैं संस्कृत संस्कृत भाषा का प्रयोग कम है ठीक है ललित वाक्यों की संरचना है आडंबर रहित बातें कहते हैं ठीक है कृत्रिमता उसमें कम है ठीक है स्वच्छंदता है उनकी भाषा में तो इनकी भाषा शैली की खूबियां प्रत्येक रचना में प्रत्येक शैली का प्रयोग किए जाने से पाठक ठीक है के लिए प्रीति का आस्वादन सुखद अनुभव बन जाता है दुरूहता बिल्कुल नहीं होती इसमें एक उपन्यासकार की शैली की विवेचना करते समय चार धरातल दिखाई पड़ते हैं युग का साहित्य विधा का भाव का और कृतिकार का इसके अतिरिक्त भाषा वेद के धरातल भी है तकज को पूरा ज्ञान है कि रचना किसके लिए रची जा रही है ठीक है भाषा का सवाल बनता भी नहीं एक वाक्य में साठ आठ शब्दों का संगठन मात्र रहता है कभी कभी एक ही शब्द या अपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया गया है इनके उपन्यास में तकस की भाषा में लालित उसकी ऊर्जा तीव्रता एवं शक्ति का परिचय पाने के लिए तूफान के तूफान में फंसे पलन का चित्रण देखते हैं जैसे कि जोर से बिजली कड़की इतने बात खत्म है जोर से बिजली कड़की भयानक मेघ गर्जन हुआ ऐसा लगा मानो आसमान टूट पड़ा ऐसा मालूम होता है कि समुद्र का सारा पानी सिमट कर एक ही जगह जमा हो रहा है आंधी और तूफान का ऐसा रंग ढंग मानव सर्वनाश करके ही दम लेगा ठीक है और वही होता है तो इस प्रकार व्यक्तिगत भाषा से लेकर प्रादेशिक भाषा तक की भिन्नता यहां खूब दर्शित है ठीक है और उच्चारण में एक खास रीति है विशेषकर दीर्घ स्वर प्रधान उच्चारण में ठीक है जैसे जहां दीर्घ स्वर का उच्चारण नहीं होना चाहिए वहां तक स्वर की ध्वनियात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं मछुआरों मछुआरों की भाषा भाषा भे, भेद भेद ठीक ठीक है है इसी तकनीक है, है? है, इसी तकनीक तकनीक का चित्रण किए गए हैं जो के के वह द्वारा चित्रित किए गए हैं ठीक है तकस ने जिस भाषा की सृष्टि की है वह केरल के सभी मछुआरों में प्रचलित भाषा नहीं थी लेकिन ऐसी एक धारणा को प्रस्तुत करने में तकस सफल हुए जमीन की विशेषताओं में इनकी अपनी भाषा की महत्व भूमिका है इन्होंने अपनी भाषा का महत्वपूर्ण रोल इस उपन्यास में दिया है कथा विवरण में संस्कृत शब्दों का थोड़ा सा प्रयोग देखा जा सकता है आदर्श पत्नी के रूप में जीने की कोशिश करुतम्मा करती तो है लेकिन उसने पलनी को चावल परोस दिया खाना खा के ने कहा अब मैं तुझे खाना परोस दू ठीक है पलनी जब करुतम्मा के पास आ बैठी पालन जब कल्टा के पास आ बैठा उसी अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आनंद की दुनिया की ओर विकसित होने के लिए उसके हृदय दल तरस रहे थे स्नेह की मंदोष्ण किरण कल उसी कली में प्रतिफुटित करने लगी ठीक है तो यहाँ पर देखिए कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है यहाँ रेखांकित शब्द जैसे कि हम कहें कि संस्कृत के जैसे आनंद की दुनिया में विकसित होने के लिए उसके हृदय स्नेह मंदोष ठीक है प्रस्फुटी तो इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तक इस प्रकार लिखे गए उनकी रचना में जब देखें तो यहाँ पर कुछ कृत्रिमता हमें देखने को मिलती है ठीक है थोड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा नहीं है तो इस प्रकार ये रहा आप चाहें तो इसकी जीवन दृष्टि पर भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ठीक है इसके युग बोध पर थोड़ा सा देख सकते हैं अगर चाहे तो अन्यथा इतना पर्याप्त रहेगा अगर आप इतना जो है करके जाएंगे जितना मैंने अभी तक बता दिया तो आप यहाँ से आने वाले प्रश्नों को टेकल कर सकेंगे ठीक है दो इसमें आपको तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें दो अथवा करके रहेंगे उसमें से एक करना रहेगा और एक जो है आपको आखिरी आखिरी वाले क्वेश्चन के खंड का खा गा में से देखने को मिल सकता है ठीक है तो इस प्रकार अगर आप इसे किए रहेंगे तो कोई भी प्रश्न यहाँ से आता है इस उपन्यास से तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद